जिले के दिग्रस शहर के नए रिहायशी इलाकों के रास्ते इन दिनों दलदल में तब्दील हो चुके हैं। बीते कई सालों से पाटिल नगर और बोरा लेआउट परिसर वासियों ने इस बाबत स्थानीय पालिका प्रशासन से लेकर समाधान शिविरों के काफी चक्कर काटे, लेकिन उपेक्षा और प्रतीक्षा के सिवा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। पेश है दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। किसी भी शहर की तरक्की का अंदाजा उसकी सड़कों और भीतरी इलाकों के रखरखाव से लगाया जा सकता है। इस तर्ज पर बात अगर दिग्रस शहर के विकास की जाए तो दिग्रस शहर का विकास कम विडंबना ज्यादा लगता है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुराने और पिछड़े इलाकों से ज्यादा असुविधाएं और समस्याएं नए और महंगे रिहायशी इलाकों में नजर आने लगी है। बारिश के मौसम में कथित रूप से पॉश कहे जाने वाले इलाके दलदल की भेंट चढ़ जाते हैं। शहर के पाटिल नगर, हरिओम नगर और बोरा लेआउट के नागरिक भी कई सालों से परिसर की सड़कों के निर्माण के लिए स्थानीय पालिका प्रशासन और समाधान शिविरों के चक्कर काट रहे हैं। बघा, यानी पाइपलाइन टाकल्याने रोड जे मोजमापानुसार खुदाल पाहिजे होते तसं खोदून हे केलं नाही, पाइपलाइन टाकलेली नाही आहे, सगळी माती रोडवर आहे। अगोदरच आमची तक्रार होती समाधान शिबिर यवतमाळपर्यंत जाऊन आलो की आम्हाला रोड बनवून द्या। त्यानंतर यांनी नाली आपला पाईपलाईन टाकून सगळं रोडचं अस्तव्यस्त करून टाकलेलं आहे। आज चालण्यासाठी पायदळ चालण्यासाठी रोड नाही आहे, वाहन काढण्याचं दूरच। आज आम्ही खेड्यात आहो की एखाद्या जंगलात राहता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे। वारंवार तक्रारी नगरपालिका दिग्रस तसेच समाधान शिबिर यवतमाळपर्यंत तक्रार करूनही कुठली दखल घेण्यात आलेली नाही। आणि हा रोड आहे पाटील नगर आणि बोरा लेआउटचं जॉईंट डीपी रोड आहे। या रोडची अशी अवस्था असल्यामुळे एक कुंठित जीवन जगण्याची पाळी आली आहे संपूर्ण नागरिकांना। हाल ही में नगरपालिका द्वारा परिसर में नई पाइपलाइन के लिए की गई खुदाई से परिसर के रास्तों की दशा बद से बदतर हो चुकी है। परिसरवासियों ने पालिका प्रशासन की कार्य पद्धति पर सवाल खड़े किए हैं। काहीच नाही, यांनी पाइपलाइन टाकली आणि रोड झाला नाही। आम्ही 2003 पासून राहतो इथं, 20 वर्ष झाले, मला खूप तकलीफ होत आहे। आणि इथून हे रोड मधातून पाईपलाईन टाकली त्यांनी रोडच्या, तर रोड मग फोडून घ्यायचा का मग नळ? आणि चिखलच चिकल करून ठेवून दिला इथं, काही मुरूम नाही, काही नाही। अर्ज देऊन थकलो आम्ही, 10-12 अर्ज मी स्वतः दिले सह्या घेऊन नगर परिषदला। बारिश के चलते इन दिनों परिसर के सभी रास्तों पर बेतहाशा कीचड़ है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका है। दुपहिया वाहन सवारों के फंसने और गिरकर चोटिल होने की घटनाएं अब यहाँ आम हो चुकी है। स्थानीय पालिका को बार बार ज्ञापन सौंपने और समाधान शिविरों के चक्कर काटने के बाद भी इनकी किसी ने कोई सुध नहीं ली है। आमी बोरा नगर, पाटिल नगर आणि हरिओम नगर या भागातील रहिवासी गेले अनेक दिवसापासून रस्ते आणि नाल्या या मूलभूत सुविधासाठी नगर परिषदला वारंवार तक्रार करूनही नगर परिषद आमच्याकडे काही लक्ष देत नाही आहे। गेले 20 वर्षापासून असलेलं हे लेआउट अनेक मूलभूत सुविधापासून वंचित आहे। गेल्या वर्षी आम्ही समाधान शिबिरात अर्ज केल्याच्या नंतरही नगर परिषद दिग्रस यांनी 17-11 दिलेलं हे पत्र आहे की त्यांनी 2022 17 नोव्हेंबरला सांगितलं होतं की सदर निर्णय हे नगरोत्थान योजनामार्फत घेऊन काम करण्यात येईल, पण एक वर्ष होऊनही सदर रस्त्याची परिस्थिती आजही तुम्ही चालता येणार नाही अशी आहे। या भागात चालताना अनेक वेळा प्रॉब्लेम येतो, अनेक गाड्या पडतात आणि या केलेल्या पाईपलाईनच्या अर्धवट कामामुळे पूर्ण रस्त्यावर हा चिखल तयार झालेला आहे, तुम्हाला चालणं मुश्किल होत आहे, दिसत आहे। मी याबद्दल सदर तक्रारसुद्धा नगर परिषद दिग्रस यांच्याकडे 28 तारखेला केली की सदर मातीमध्ये थोडासा मुरूम टाकून देण्यात यावं, त्यामध्येही यांनी काहीही बघितलं नाही, यांच्याकडे पाहिलंसुद्धा नाही। माझी विनंती आहे आपल्यामार्फत दिग्रस नगर परिषदला की त्यांनी या सदर रस्त्याचं बांधकाम आणि नाल्यासारख्या मूलभूत सुविधा आम्हाला त्वरित देऊन आम्हाला उपकृत करावे। धन्यवाद।
एक तरफ सत्ताधीशों के समर्थकों द्वारा दिग्रस शहर के विकास कार्यों को लेकर बड़ी बड़ी डिंगे हाँकी जाती है, उनके समर्थक उन्हें विकास के लिए प्रतिबद्ध विकास पुरुष की भारी भरकम उपाधियों से नवाजते हैं, लेकिन दलदल में तब्दील रास्ते खुद ब खुद कथित विकास की हकीकत को उजागर कर ही देते हैं। ये पाटिल नगर और बोरा लेआउट का एरिया है। 15 से 20 साल पहले कई लोग यहाँ पर एक नए आशियाने की खोज में और एक नई जिंदगी गुजर बसर करने यहाँ पर आए थे, लेकिन आज यहाँ के रास्तों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इन लोगों को अब लगता है कि उन्होंने यहाँ आकर यहाँ नए मकान खरीद कर नए मकान बनाकर शायद गलती कर दी हो। यहाँ के रास्तों को देखने के बाद लगता है कि इससे अच्छी हालत तो झोपड़पट्टी वाले एरियाओं की भी है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय प्रशासन इन लोगों की शिकायतों के बाद भी इनकी एक नहीं सुन रहा है। इन्हें यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं भी मयसर नहीं है। यहाँ के रोड नहीं बल्कि दलदल में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पर स्कूली बच्चे यहाँ से आते जाते हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ से आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं हैं इनका निपटारा होता हुआ नहीं दिखता है। इन लोगों की समस्या यही है कि स्थानीय प्रशासन जो है अपनी लापरवाही को दूर करे और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं की ओर ध्यान दे और इन्हें इस दलदल नुमा जिंदगी से निजात दिलाए। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।